आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बली के अनूठे मंदिर की। कहा जाता है कि यहाँ हर रात शेर आता है। यहाँ विराजमान पवन पुत्र की महिमा भी अपरंपार बताई जाती है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों के यहाँ चोरी नहीं होने देते और मनोकामना पूरी करते हैं। तो कहाँ है ये अनूठा मंदिर, क्या है इससे जुड़ी बातें, जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में। शेर जिसके नाम से ही कुछ लोगों की रूह कांप जाती है। कहते हैं वही शेर एक मंदिर में रात को आता है और रुक कर चला जाता है। पहले देख लेते हैं कैसा है ये मंदिर और शेर क्यों आता है यहाँ पर। चारों ओर पहाड़ियाँ, घनघोर जंगल, डरावना इलाका। इसी जगह खास रूप में मौजूद हैं बजरंग बली। 16 फीट की है जिनकी प्रतिमा। पवन पुत्र करते हैं भक्तों की मुराद पूरी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मोकर सुधार। ये है नीमच के गांव मेंढकी को जाने वाला रास्ता, जिसे देखकर ही कई लोगों को खतरे का एहसास हो जाता है। ऊंची ऊंची अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं और घने जंगल किसी के भी मन में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि मेंढकी इलाके के लोग इधर आते जाते बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा है इस मंदिर में विराजे बजरंग बली पर, जिनकी दृष्टि उन पर कई साल से बनी है। ये है मेंढकी का हनुमान मंदिर, जहां खास रूप में विराजे हैं पवन पुत्र। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोग जागर। कई साल पुराना है ये मंदिर। बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। 700 साल पुरानी है प्रतिमा। महावीर विक्रम बजरंगी। 10 फीट जमीन में है प्रतिमा। विकट रूप धरी लंक जरावा। 6 फीट है जमीन के ऊपर। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। जी हाँ, देखने में ये प्रतिमा और मंदिरों की प्रतिमाओं की तरह लग रही है, लेकिन ये बेहद अनूठी बताई जाती है। लोगों का कहना है कि ये जितनी जमीन के बाहर है उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के अंदर है। लोग बताते हैं कि इसकी कुल लंबाई करीब 16 फीट है, जिसमें से 10 फीट जमीन के नीचे है और 6 फीट जमीन के बाहर। भक्तों का कहना है कि यह पवन पुत्र का खास रूप है, जिसके दर्शन करने से ही लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। तेज प्रताप महा जगबंदन। जो भी हम मन्नत मांगते हैं हनुमान जी से, तो ये मन्नत पूरी करते हैं और मन्नत पूरी होती है और हम सभी ग्रामवासी आते रहते हैं और इनकी कृपा हमारे गांव पर पूरी बनी रहती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खास है ये मंदिर। विद्यावान गुणी अति चातुर। रात में यहाँ आता है शेर। बावड़ी में पीता है पानी। कुछ देर करता है विश्राम। जी हाँ, कई लोगों को भले इन बातों पर यकीन न आए, लेकिन इलाके के लोग इन पर पूरा भरोसा करते हैं।
उनका कहना है कि एक शेर रात में मंदिर में आता है और यहाँ की बावड़ी में पानी पीता है। इसके बाद वही शेर कुछ देर मंदिर में विश्राम करता है और फिर पवन पुत्र का आशीर्वाद लेकर चला जाता है। भक्तों का कहना है कि ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है, तब से आज तक इस बावड़ी का पानी भी नहीं सूखा। ये इसका नाम नालकोला मंदिर इसलिए रखा है पुराने लोगों ने कि यहाँ जो शेर आता है और यहाँ एक बावड़ी है, उस बावड़ी में जल उसका जल पीके वापस जंगल में चला जाता है, और अभी भी है, ये अभी भी आके और जल पीके वापस जंगल में चला जाता है। इस मंदिर को नाहरखोला हनुमान मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें बजरंग बली के दर्शन करने आसपास के लोग तो आते ही हैं, साथ ही कई भक्त दूर दूर से भी आते हैं। विकास ओझा, सहारा समय, नीमच।